लोकसभा चुनाव 2024 में ये राजस्थान में दो चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान के साथ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश के 11 मंत्रियों के साथ कई दिग्गज नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी हुई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। चुनाव के पहले चरण में राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा। इन सीटों पर एक ओर दिग्गज नेताओं की साख दांव पर होगी, दूसरी ओर अलग अलग सीटों पर चुनावी कमान संभाले बैठे सरकार के मंत्रियों और कई कद्दावर नेताओं के राजनीतिक कौशल की भी अग्नि परीक्षा होगी। इन सीटों पर आने वाले परिणाम चुनाव प्रबंधन में लगे नेताओं के भविष्य को भी तय करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का रण। राजस्थान लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 मंत्रियों की साख दांव पर। चुनाव में मंत्रियों और कई दिग्गज नेताओं की होगी अग्नि परीक्षा। बीजेपी ने हर सीट पर सत्ता और संगठन दोनों का तालमेल बैठाते हुए चुनाव प्रभारी लगाए हैं। पहले चरण में 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 102 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। सबसे कड़ा मुकाबला दौसा, नागौर, चूरू, झुंझुनू सीट पर माना जा रहा है। नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा ने नागौर सीट की कमान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को सौंपी है। चूरू सीट पर राहुल कसवा पाला बदलकर इस बार कांग्रेस के खेमे में हैं। राहुल कसवा का मुकाबला पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से है। चूरू सीट पर भाजपा ने मंत्री अविनाश गहलोत को कमान सौंप रखी है। चुनाव में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। झुंझुनू सीट पर ब्रजेंद्र ओला भी कड़े मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने झुंझुनू में चुनावी कमान विधायक महंत बालकनाथ को सौंपी है। बालकनाथ राजस्थान में भाजपा के हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता हैं। सीकर सीट पर माकपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। सीकर सीट पर भाजपा ने मंत्री गौतम दत्त को चुनाव प्रभारी बनाया है। दौसा सीट पर कड़ा मुकाबला मुरारी लाल मीणा और कन्हैया लाल मीणा में है। दौसा सीट पर प्रभारी के तौर पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लगाया गया है, लेकिन राठौड़ से ज्यादा इस सीट पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर है। अलवर सीट पर भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। यहाँ मंत्री सुरेश रावत को प्रभारी के तौर पर कमान सौंपी गई है। भरतपुर से मंत्री संजय शर्मा को कमान सौंपी गई है। करौली धौलपुर सीट पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कमान सौंपी गई है। अलवर में मंत्री सुरेश रावत, बीकानेर में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को कमान सौंपी गई है। जयपुर ग्रामीण में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कमान है। जयपुर शहर में मंत्री जोगाराम पटेल की साख दांव पर है। अब देखने वाली बात है कि दिग्गज नेता और बीजेपी सरकार के मंत्री चुनाव की अग्नि परीक्षा में कितना सफल हो पाते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे। राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान में 12 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के साथ इन सीटों के प्रत्याशियों का भाग्य जहां ईवीएम में कैद हो जाएगा, वहीं इन सीटों पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भविष्य भी इन्हीं सीटों के परिणाम के ऊपर निर्भर होगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज सोनी।